मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मौसम के मिजाज में आप सभी का स्वागत है। विश्लेषण करेंगे दार्जिलिंग और पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा ठंडक एरिया में गर्मी के मौसम में जाना पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं इस समय दार्जिलिंग में और बदलते मौसम में यदि आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आप हिमाचल, शिमला और दार्जिलिंग का रुख जरूर करें। मैं आपको ठंडक का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर ठंडक मौसम होने से आप पर्यटक के रूप में ठंडी का भली भांत आनंद उठा सकते हैं। इस वक्त आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ यह ठंडी मौसम दार्जिलिंग पहाड़ियों की वादियों का है। यह सीन दार्जिलिंग की बात यदि हम करते हैं तो सबसे पहले चाय बागान की बातें हमारे जहन में आ जाता है। चाय की बागान हमारे जहन में आते ही हम सोचते हैं कि हमें जो सुबह सुबह हमें चाय पिलाती है वह दार्जिलिंग से ही चाय की खुशबू, चाय का आनंद जब हम सुबह सुबह लेते हैं तो वह हमें जो है वहाँ का दार्जिलिंग का याद जरूर आ जाती है। तो हम आज उसी के रास्ते में दिखा रहा हूँ, दार्जिलिंग का सफ़र करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ दार्जिलिंग का एक सबसे बड़ा लुत्फ। आप ठंडी एरिया, यदि आप गर्मी से परेशान हैं, यदि आप ठंडी एरिया में जाना चाहते हैं, आप शिमला, हिमाचल और दार्जिलिंग का यात्रा जरूर कीजिए। ये चलते चलते मैं आपको बताता रहूँगा कि दार्जिलिंग में किस तरह से इस समय आप देख रहे हैं कि हर जगह गर्मी है लेकिन यहाँ पे कोहरा पड़ा हुआ है और बारिश का मौसम भी है और लगातार जो है ठंडा मौसम है, कोई जो है बाहर निकलने के लिए राजी नहीं होता है। या मैं चलते चलते रास्ते में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पर्यावरण है। आप पर्यावरण का लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ स्वच्छ सुंदर। यदि आप बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं तो आप दार्जिलिंग का यात्रा ज़रूर कीजिए, क्योंकि खुशनुमा यहाँ का जो मौसम है, जो रीति रिवाज है, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर झांकियों के साथ आपको दिखाई देगा या आप देख सकते हैं। चाय की जब खुशबू हमें आती है तो दार्जिलिंग में भी पैदावार होती है। यहाँ पर इस वक्त ठंडक मौसम है और घूमने फिरने की सबसे बड़ी अच्छी जगह आपको दिखा। आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप ज़रूर दार्जिलिंग, शिमला और हिमाचल का यात्रा ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ खुला जगह होता है, खुली हवा होती है, स्वच्छ हवा होती है। यदि आप शहर से प्रदूषण से परेशान हो, पर्यटन के लिए, शुद्ध हवा के लिए आप ज़रूर पहाड़ियों में जाएं, घूमने जाएं और आपको बहुत अच्छा जो है निरोगता का एक अलग मिसाल कायम होती है। यदि आप बीमार हैं तो आप ज़रूर थोड़ी सी हवा बाहर का भी लेना चाहिए। आप यदि पर्यावरण से परेशान हैं, प्रदूषण से परेशान हैं तो आप ज़रूर से एक निवेदन है कि आप यदि आपके राज्य में और क्षेत्र में चुनाव का भी मौसम इस समय चल रहा है, 5 साल के बाद एक दिन लोकतंत्र का त्यौहार आता है, चुनाव आती है और आप कहीं भी मिस ना करें और आप ज़रूर से ज़रूर वोट डालने जाएं। चाहे आप घूमने गए हैं या कहीं पर गए हैं, आप ज़रूर बताते रहे हैं कि यदि आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर अच्छा रहेगा और आप निरोग रहेंगे। यदि आप सुबह सुबह टहलते हैं और व्यायाम करते हैं, जिसे हम योगा कहते हैं, अगर करते हैं, आप खुली एरिया में करते हैं तो आप वाकई में जो भी आपके पास रोग है, जो भी रोग होने जा रहा है, वो सारा छुटकारा मिल जाएगा। और यह डॉक्टर भी इस चीज़ को बताते हैं कि आप सुबह घूमिए और यदि हो सके तो पहाड़ी क्षेत्र में आप ज़रूर साल में एक बार ज़रूर यात्रा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर में जितने आपके बैक्टीरिया हैं, जितने आपके अंदर छुपी हुई रोग है, वो सारे निरोग आपको कर देगा, आपका जो है ब्लड जो है प्योरीफायर कर देगा। और आप ज़रूर से ज़रूर सुबह सुबह निकलिए और यही हम सबको आज वैदिक काल से आज तक का जो है हम सबको महापुरुषों ने बताया है कि सुबह निकलने से हम सबका ब्लड जो है प्योरीफायर हो जाता है और इससे
हमारे शरीर और मस्तिष्क जो है अधिक विकास करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ज़रूर आपसे पूरे भारतवासियों से पूरे विश्व के लोगों से कामना है कि आप ज़रूर सुबह निकलें, और हो सके तो यदि आपके क्षेत्र में गर्मी है और आप ठंडी का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो आप ठंडक मौसम में पहाड़ियों में ज़रूर जाएं। वहां का हवा कुछ अलग ही होता है और आपको सुंदरता के लिए आप ज़रूर यहां पर पर्यावरण और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि आप निरोग रहेंगे। तो हम आपको बार बार बताते रहेंगे इसके बारे में, और आप जागरूक रहें और ज़रूर से ज़रूर आप साल में एक बार टूरिस्ट का यात्रा ज़रूर करें। कहीं पर भी आप पहाड़ी क्षेत्र का कुछ अलग ही भाषा होती है, अलग रीति रिवाज होता है, यहाँ की सुंदरता आप देखकर एकदम चौंक जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से सुंदरता, यहाँ की प्राकृतिक हवा और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और मिठासपन भाषा होती है। निकल रहे हैं और आपके एरिया में गर्मी है और आप निकल रहे हैं तो आप ज़रूर कुछ ऐसे चीज़ लेके जाएं ताकि वहाँ पे बदलते मौसम के वजह से, और आप ठंडक एरिया में जाएंगे तो आप थोड़ा से ज़रूर अपने बंदोबस्त कपड़े का कर लें और गर्म आइटम ज़रूर आप खरीद लें, और ख़रीदते हुए आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, और हो सके तो आप रेन कोट भी ले लें, क्योंकि रेन कोट होने से आपको बारिश होगा, कोई भी आपको ठंडक का मौसम होगा तो आपको वो सुरक्षित कवच के रूप में आपको मिलेगा। और इस मौसम में तो आप ज़रूर से ज़रूर, मौसम अब जो है इस समय अप्रैल का चल रहा है और गर्मी जो है दिल्ली के लोग, पठारी के क्षेत्र के लोग ज़रूर गर्मी महसूस कर रहे हैं, पंखा भी जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसलिए लोग प्लान करते हैं टूरिस्ट बाहर पहाड़ी क्षेत्र में, और बहुत से लोग होते हैं तीर्थ यात्रा के लिए ही जाने जाते हैं, और लोग जो है माता वैष्णो देवी और हिमाचल और शिमला दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी एरिया में जाना पसंद करते हैं, वैसे तीर्थ यात्रा भी हो जाता है और वहाँ के मनोरंजन आनंद और हमारे शरीर का जो ब्लड होता है प्योरीफायर भी हो जाते हैं और निरोग रहे। के राज्य और क्षेत्र में कहीं पर भी चुनाव है तो आप ज़रूर से ज़रूर, यदि रिश्तेदारी या घूमने निकले हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में आपको होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप होली दिवाली में घर जाते हो, आप ज़रूर से ज़रूर, उसी तरह से आप 5 साल के बाद त्यौहार आती है, आप ज़रूर से ज़रूर आप इस त्यौहार में शरीक हों और चुनाव में अपना भागीदार बने। आप यदि बनते हैं तो सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है, आप अपना भागीदार ज़रूर बने। आप घूमने गए हैं पहाड़ी में या रिश्तेदारी या कहीं पर भी, तो आपसे ज़रूर पहुंचकर चुनाव में आप शरीक हों और वहां पर वोट डालें, क्योंकि एक वोट बहुत बड़ी कीमती होती है, या राष्ट्र को मजबूत बनाती है, देश को मजबूत बनाती है। तो आपसे ज़रूर से ज़रूर आप पहुंचें और अपने राज्य और क्षेत्र में उस समय पहुँचें जब आपका चुनाव नज़दीक है, 1-2 दिन पहले पहुँच जाएँ। इससे क्या है कि आप जो है फुर्सत में रहेंगे और त्यौहार अच्छी भली भांत मना पाएंगे। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और आप ज़रूर से ज़रूर इस त्यौहार में शरीक हों, अपने परिवार साथ, अपने गांव और देश के साथ आप ज़रूर ज़रूर निभाएं इस त्यौहार को। प्रण करते हैं साल में एक बार ज़रूर हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं और वहां का हवा और लेना बहुत ज़रूरी है, और हमें पर्यावरण से बचना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।